हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अब बस 2 दिन का वक्त ही बाकी रह गया है और उसके बाद हमें मेगा ऑक्शन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि हमने आपको सुबह वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा आईपीएल इलेक्शन से सलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था और इसके आधार पर हमारे सामने 7 प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी सोल्ड मेगा ऑक्शन से पहले जिनका होना कन्फर्म हो चुका है, उनके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज हमें कंडक्ट करवाते हुए देखने को मिल रही हैं, जहां पर इलेक्शन से सिलेक्शन 5.0 यानी कि इसका जो 5th वर्जन है वो भी हमारे सामने निकल कर आया था। और इसमें सभी आईपीएल फैन से ये कहा गया था कि वो IPLselection.hotstar.com यानी कि जो इनकी वेबसाइट थी इसके ऊपर जा सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं, या फिर इवन यहां पर आप लोग आईपीएल के ऑफिशियल साइट या फिर हॉटस्टार के थ्रू भी पहुंच सकते थे। और इसके साथ ही आपको व्हाट्सएप का एक नंबर भी दिया गया था जिसके थ्रू आप लोग यहां पर जाकर वोटिंग कर सकते थे, बल्कि अभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर एक वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग वो डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, हम टेलीग्राम पर आपको डिटेल्स बता देंगे। तो यहां पर हमें ये चीज देखने को मिली कि इस थॉट प्रोसेस के द्वारा या फिर इस सर्वे के द्वारा बीसीसीआई ने जो करवाया था उसके आधार पर 7 बड़े प्लेयर्स का नाम हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बिडिंग आप लोगों को मेगा ऑक्शन में देखने को मिलेगी। और इनकी परसेंटेज भी हमारे सामने निकल कर आई है, जो इनकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी इनको वोट की गई है फैंस के द्वारा। तो इन 7 प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है कगिसो रबाडा का। कगिसो रबाडा को 53% लोगों ने वोट किया है, यानी कि 53% लोगों का यह मानना है कि कगिसो रबाडा को उन्होंने अपनी मेगा ऑक्शन टीम में पिक किया है, जिसका मतलब है उनको लगता है कि बहुत सारी टीमें इनके ऊपर बिडिंग करेंगी। आगे आते हैं शिखर धवन। शिखर धवन को 47% अपवोट मिले हैं, यानी कि 47% लोगों को ऐसा लगता है कि शिखर धवन मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा महंगे जाने वाले हैं। आगे नाम निकल कर आता है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर इन दोनों ही प्लेयर्स को पीछे छोड़ चुके हैं, जहां पर 54% अपवोट इनको मिले हैं। इसका मतलब है कि डेविड वार्नर को लेकर काफी ज्यादा क्रेज मेगा ऑक्शन में है। इसके साथ ही इस लिस्ट को टॉप किया है ईशान किशन ने। ईशान किशन को 63% के अपवोट मिले हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के बीच में ही नहीं, बल्कि आईपीएल के फैंस के बीच में भी ईशान किशन एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर काफी ज्यादा बिडिंग होते हुए फैंस देख रहे हैं। आगे इस लिस्ट में आते हैं श्रेयस अय्यर, जो कि बहुत सारी टीमों के रडार पर रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट में 57% अपोर्ट मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, जिसका मतलब है कि ईशान किशन के बाद ये 2nd ऐसे प्लेयर हैं जिनके अराउंड सबसे ज्यादा बस मेगा ऑक्शन से पहले क्रिएट किया जा रहा है। इस लिस्ट में आगे आते हैं ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट को 43% के अपोर्ट मिले हैं, जिसका मतलब है कि इनको लेकर भी ठीक ठाक क्रेज हमें मेगा ऑक्शन में देखने को मिलने वाला है। एटलीस्ट टॉप 5 या फिर 7 लोगों में ट्रेंट बोल्ट का नाम है, जिनके ऊपर काफी ज्यादा पैसों की बारिश हमें होते हुए देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रखा गया है युजवेंद्र चहल को। यूजी को 52% के वोट मिले, यानी कि 52% इनको अपवोट्स मिले हैं, जिनमें लोगों का मानना है कि इनको आईपीएल की फ्रेंचाइज के द्वारा पिक किया जाएगा। अब क्योंकि ये किसी एक नेसेसरी ऑर्डर में अभी तक नहीं रखे गए हैं, जैसा कि आपने देखा डेविड वार्नर और उनके साथ ही ईशान किशन। ईशान किशन को तो टॉप पे होना चाहिए था, क्योंकि अभी भी ये वोटिंग ओपन है, तो आप लोग अभी भी जाकर इन स्टैट्स को चेंज कर सकते हो। तो इसके द्वारा हमें ये तो पता चल गया कि मेगा ऑक्शन में जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रेज है और कौन कौन से प्लेयर हमें सबसे महंगे बिकते हुए देखने को मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से वो कौन सा एक बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर और ऑलराउंडर है जिसके ऊपर आपको लगता है सबसे ज़्यादा बिडिंग होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।